लोकसभा चुनाव के बीच हरिद्वार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम हरीश रावत के तीन करीबी नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी नेताओं को भाजपा ज्वाइन कराई। भाजपा ज्वाइन करने के बाद नेताओं में संजय महंत कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा और मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम शर्मा हरीश रावत के ओएसडी रह चुके हैं, जबकि राजेश रस्तोगी पूर्व दर्जाधारी और हरीश रावत के प्रवक्ता रह चुके हैं। सभी नेताओं ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद हरीश रावत पर परिवारवाद का आरोप लगाया और वीरेंद्र रावत को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। आगे 5-4 साल बाद वीरेंद्र रावत का बेटा जवान हो जाएगा, वो लक्सर से लड़ लेगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे जैसे और कहाँ जाएंगे। हरीश रावत जी के कहने में कहते रहे, उनका कहने की आदत है। उन्होंने ये भी कहा था मैं हरिद्वार से चुनाव नहीं लड़ूंगा और किसी को विकल्प भी नहीं दूंगा। 2.5 लाख वोटों से ज्यादा बड़ी जीत हासिल करेंगे, गाय माता का आशीर्वाद लेकर के काम शुरू करा है। और वीरेंद्र रावत को क्या कहो, वीरेंद्र रावत उम्मीदवार थोड़ी है, रावत जी का बेटा है। ऐसा सर्कस में जोकर, ऐसा वीरेंद्र रावत। इस दौरान महेंद्र भट्ट और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की रीति-नीति से प्रभावित होकर विपक्षी नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और इस बार भाजपा 400 से अधिक सीटें जरूर जीतेगी। देखिए, नाराजगी तो क्या हो सकती है, लेकिन हाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी में उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की है और नरेंद्र भाई मोदी देश के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और उन्हीं के कृत्यों से, उनके व्यक्तित्व से और उनके विजन से प्रभावित होकर के और आज तमाम कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और इस चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री के विकास कार्यों और प्रमुख सचिव धामी के विकास कार्यों का ही प्रभाव है कि आज समाज के हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं, अनेकों राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। आज भी हरिद्वार में भव्य ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है, इसका प्रदेश कार्यालय में भी आज ज्वाइनिंग होंगी और राष्ट्राध्यक्ष का दौरा इस बीच हरिद्वार में होने वाला है, उसकी तैयारी के दृष्टिकोण से हम लोग आए हुए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इस बार उत्तराखंड का जो माहौल बना हुआ है, हम 500 सीटों को 5 लाख मतों से जीतने का हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम बढ़ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी की अभूतपूर्व सभा जो रुद्रपुर में हुई है, इस बात का संकेत है कि हमारे स्टार प्रचारकों के माध्यम से चुनाव को गति मिलेगी, तो हम इस लक्ष्य को और बढ़ाएंगे।